इस वक्त हमारी जो सोसाइटी है इसमें आर्ट और कल्चर के फ़रोग के लिए कितना ज़रूरी है इस वक्त हमारे यूथ के। आज की जो नस्ल है ना, अगर जो डिफ़िकल्टीज हमने देखी हैं, हम इसलिए बीच में हैं कि हमने दोनों दौर देख लिए हैं, जिसको हम गोल्डन एरा बोलते हैं, हमने वो भी देख लिया है, किताबों का दौर देखा है, अदीबों का दौर देखा है, इंसानी लाइब्रेरियाँ हमने देख ली हैं, किताबें पढ़ना हमने देख लिया है, और हम इस जनरेशन का दौर भी देख रहे हैं। हम देखते हैं कि किस तरह ये लोग आगे जा रहे हैं और किस तरह भाग रहे हैं। हम फिर भी कंफ्यूज हैं, लेकिन ये लोग कंफ्यूज नहीं हैं। अभी सोसाइटी में ये चीज़ें हो रही हैं कि लोगों ने चीज़ें महसूस करनी शुरू कर दी हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो टैबू थी हमारे इधर, लेकिन अब क्या हुआ कि धीरे धीरे लोग उन पर बात करने लगे, और ये मतलब क्रेडिट जाता है सोशल मीडिया पे। म्यूज़िक इनके लिए जुर्म नहीं है, कहकहा इनके लिए जुर्म नहीं है। तो अब इनको जो मौाक़े मिल रहे हैं, असरात हैं अभी उस घुटन के, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रही हैं, क्योंकि ये बच्चे हमारे बच्चे हैं। हम उन लोगों के बच्चे थे जिन्होंने वो रंग और रोशनियाँ देखी हुई थी, तो हमारे जहनों में वो रोशनियाँ थी। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने इनहेरिट किया हमसे वो तारीकी। मैं ये देख रहा हूँ मेरे एन पीछे एक मुजस्मा मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक दौर वो था जब मुजस्मे यहाँ नहीं होते थे। अभी रिसेंटली मैं सऊदी अरब गया, आर्ट की ज़रूरत वहाँ भी है। उनके जितने स्कल्पचर्स हैं वो बग़ैर चेहरे के ज्योमेट्रिक पैटर्न्स हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास एक दौर था कि जब कोलिन डेविड मौजूद थे, फिर एक दौर वो आया कि जब उनको मंजर आम से हटाने की कोशिश की गई।